ये आज इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या खास उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? इसका खास उद्देश्य तो यही था कि जो इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करना है और इसका कार्यकाल 5 साल का रहता है जो इस फरवरी माह में पूरा हो रहा है और आने वाले टाइम में 6 मार्च को इसका डिक्लेयर हो जाएगा और इसी में अगर कोई नामांकन आता है और तो फिर चुनाव प्रक्रिया होंगे, नहीं तो फिर निर्विरोध जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को चुन लिया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ गुजरात और MP के प्रभारी और इख्तियार हुसैन अब्बासी। मैं मोहम्मद शरीफ अब्बासी उर्फ बबलू पार्षद, इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान का प्रभारी हूँ, आगरा शहर का रहने वाला हूँ। जैसा कि सब लोग आपको बता चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल इस फरवरी माह में समाप्त हो रहा है। आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मुझे चुनाव अधिकारी बनाया गया है, चुनाव समिति मेरे साथ है क्योंकि मेरे पे उत्तरदायित्व में मैं चुनाव अधिकारी हूँ और चुनाव जो है पारदर्शिता के साथ संपन्न हो उसके लिए पूरा एजेंडा आज हमने तैयार किया है। आगामी 6 मार्च को हमारा चुनाव होगा, 27-29 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया होगी, 1 मार्च को नामांकन वापसी का दिनांक रहेगा, 2 मार्च को जांच प्रक्रिया रहेगी। अगर एक ही आवेदन होता है तो एक हमारा दूसरा रूप है कि समस्त भारतवर्ष में हम अपना प्रपत्र भेजेंगे और वहाँ से वहाँ के हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से समस्त सदस्यों के प्रस्ताव लिए जाएंगे और जिसके नाम का सबसे ज़्यादा प्रस्ताव आएगा उसको हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देंगे। अगर नामांकन 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उसके तहत आगामी 6 मार्च को चुनाव होगा जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के समस्त पदाधिकारी होंगे, उनको वोट करने का अधिकार होगा। आज जन्नत होटल अजमेर शरीफ के अंदर इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की राष्ट्रीय स्तर के जो सदस्य जो चुनाव समिति बनाई गई है उसकी एक बैठक रखी गई है। अब्बासी समाज हिंदुस्तान के अंदर जो बिस्ती सक्का के नाम से भी जाना जाता है, ये समिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूढ़िवादी प्रथाओं को समाज के अंदर से खत्म कर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज के को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर काम करती है। ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक स्तर जो हमारे समाज का है उसको उठाने के क्षेत्र में हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जो समाज की प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच देकर उनको आगे लाने पर और जो समाज की गरीब जो बच्चियां हैं और समाज के जो पिछड़ी बच्चियां हैं जिनका समय पर शादियां नहीं हो पाती है उसका निःशुल्क शादी कराने के क्षेत्र में, उसके अलावा सभी क्षेत्र में किस तरीके से समाज को आगे लाया जा सकता है उसके ऊपर काम करने वाली हमारी ये संस्था है और इसी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, उसी को लेकर ये बैठक रखी गई। आपका नाम बताइए। मुकीम अब्बासी, राष्ट्रीय महासचिव, दिल्ली प्रभारी, इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव पर्यवेक्षक, मेन मुद्दा ये चुनाव का ही है जो हमारे भाइयों ने सारी चीज़ बता दी है, इसको लंबा नहीं खींच के मेन मुद्दा है कि हम इनको बहुत ही पारदर्शिता से और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा मकसद है, जिसका हमने एजेंडा तैयार करके जो जो चीज़ें की जरूरत थी आज हमने मीटिंग रख के उसमें एजेंडा तैयार कर लिया है। अच्छा, आपके चुनाव में सिर्फ मर्द ही वोटिंग करते हैं या महिलाओं का भी अधिकार? मर्द भी जो भी पदाधिकारी है, महिला विंग से है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संरक्षक के जो फाउंडेशन है उनको सबको मत देने का पूर्ण अधिकार है। आपका नाम बताइए। बाकी हुसैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक चुनाव। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के संदर्भ में आज एक मीटिंग का आयोजन अजमेर शरीफ में किया गया। इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, हर 5 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में अब्बासी समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उन समाज के उत्थान के लिए हमारी महासभा जो संगठन है वो संकल्पित है
और उस संकल्पित संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हर 5 साल में होता है। उस 5 साल में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ वो चुनाव होता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से यहाँ हमारे सदस्य पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, और इस चुनाव को कैसे पारदर्शिता से कराया जाए, तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं जो इस संगठन पर उंगली उठाते हैं कि ये चुनाव समिति पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ ये चुनाव कराकर दम लेगी, और इस चुनाव के अंदर नियमों के अनुसार जो आएगा वो इस चुनाव के अंदर भागीदारी निभाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। और हमने जो नियम बायलॉज जो नियम बताता है उस नियम के आधार पर इस चुनाव को कराया जाएगा। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बैठक का आयोजन किया। ये चुनाव कब होंगे, कहाँ होंगे? इस चुनाव को कराने का मुख्य उद्देश्य हमारे, अगर दो या एक या दो से अधिक नॉमिनेशन आता है तो हम ये चुनाव धौलपुर में कराएंगे। अगर ये चुनाव के अंदर नॉमिनेशन एक ही रहता है तो हम जनमत का सहारा इस फोरम के माध्यम से इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, शहर के पदाधिकारीगण, ब्लॉक स्तर के, वार्ड स्तर के और बूथ स्तर के पदाधिकारीगण इसके अंदर अपना जनमत देंगे। वो चयनित करेंगे कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। और जब ये अगर एक ही आवेदन होगा तो हम इस जनमत के आधार पर उसका चयन करेंगे, उसका निर्वाचन करेंगे, और जिसका ज्यादा होगा नाम वो अध्यक्ष बन जाएगा। आज यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आए, कौन कौन लोग? देखिए, यहाँ से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश झांसी से आए हैं, आगरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आए हैं, नीमच से आए हैं, इसके अलावा दिल्ली से आए हैं, इसके अलावा झांसी से आए हैं, इसके अलावा राजस्थान से आए हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से आए हैं, इसके अलावा हरियाणा से आए हैं, जो इस टीम के सदस्य हैं। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम मकसूद अहमद है और इस चुनाव समिति का मैं अध्यक्ष हूँ।